नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। कुछ दिन पहले ही की घटना है। लॉकडाउन के दरमियान पटना सिटी में सब्जी मंडी में, तुलसी मंडी का जो है पटना सिटी के एरिया के व्यवसाय को सरेआम हत्या कर 5 से 6 लाख रुपया लूट लिया गया था। अब इस दरमियान एयरपोर्ट थाना अंतर्गत और रूपसपुर थाना अंतर्गत सुरक्षा दृष्टिकोण से सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है कि हर एक बाइकर्स और मोटरसाइकिल का, अगर बाइकर्स की बात कर ली जाए तो जो भी बैग लेके जा रहे हैं उनकी चेकिंग हो रही है, जो चार पहिए वाहन से हैं उनका डिक्की खोलकर चेक किया जा रहा है। हालांकि इस लॉकडाउन में जो घटना हुई थी पटना सिटी में, उसके मद्देनज़र रखते हुए रूपसपुर थाना और एयरपोर्ट थाना के दोनों प्रभारी यहाँ मौके पर हैं और सघन वाहन जाँच अभियान भी चलाया जा रहा है। लॉकडाउन का भी गाइडलाइन का पालन करवाया जा रहा है। और वहीं सुरक्षा दृष्टिकोण से अगर बात कर ली जाए तो तमाम पहलुओं पर पुलिस नज़र बना के रखी हुई है कि कहीं से किसी तरह के इस लॉकडाउन में चूक ना हो जाए। आखिर जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी उसको देखते हुए जो चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, लगातार उसके आगे पीछे पुलिस मुस्तैद होते नज़र आ रही थी। जिस दरमियान जो घटना पटना सिटी में हुई, वो घटना राजधानी के कई इलाकों में ना हो, जिसको देखते हुए दो थाने की पुलिस सघन वाहन जांच अभियान चला रही है और मौके पर DFO भी मौजूद है और रूपसपुर थाना और एयरपोर्ट थाना प्रभारी भी मौजूद हैं और सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। अपने सहयोगी हीरा लाल के साथ राजन कुमार, न्यूज़ पीआर पटना।